कहते हैं कि जो लेडीज होती हैं, गर्ल्स होती हैं, वुमेन्स होती हैं, वो रोकर अपने दुख को एक्सप्रेस कर देती हैं, सबको बयां कर देती हैं। लेकिन जो जेंट्स होते हैं, आदमी लोग होते हैं, वो अपने दुख को इतने जल्दी से किसी को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपने दुख को अंदर ही रखते हैं, वो किसी के सामने नहीं लाते हैं। ये एक नेचुरल थिंग है और ये नेचुरली ही होता है। हम जो गर्ल्स होती है ना, वो हम रोकर हर चीज को सामने रख देती हैं। इमोशंस जो है ना लेडीज के अंदर काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन इमोशंस ये नहीं है कि भाई इंसान यानी कि जेंट्स में नहीं होते हैं, सभी में इमोशंस होते हैं, लेकिन इमोशंस को जो एक्सप्रेस है ना वो लेडीज जल्दी कर देती हैं। जेंट्स जो होते हैं, आदमी लोग जो होते हैं, वो अपने घर की जिम्मेवारियों में इतने ज्यादा बंधे होते हैं कि वो अपने सपनों को काफी दूर छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सपनों को छोड़कर हम अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सकेंगे, अच्छे काम करके उनके पेट को भर सकेंगे। तो इन चीजों को सोचते सोचते वो अपने सपनों को एक पीछे छोड़ आते हैं। ये नेचुरली नेचर होता है जेंट्स का, मेंस का, जी हाँ। लेकिन एक बात बिल्कुल सच्ची है, भाग्य साथ दे ना दे, लेकिन किस्मत हमेशा आपका साथ देती है। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रोग्राम नई उमंग और मैं हूँ आपकी दोस्त रंजीत कौर। भाग्य की बात चल रही है और किस्मत की बात चल रही है, चलिए इसी बात के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी आपको बता देती हूँ। सभी ने ये स्टोरी सुनी है, लेकिन एक बार फिर से आप सभी को बताती हूँ। एक बहुत बड़ा हाथी था जो कि सर्कस के एक पिंजरे में बंद था। वो पिंजरे में बंद बैठे अपने आप को यही सोचता रहता था कि भाई मेरी जिंदगी इस पिंजरे में ही कट जाएगी, मैं अपनी पूरी जिंदगी इस पिंजरे में ही बिता दूंगा। और इस चीज को सोचते सोचते वो हमेशा अपने भाग्य को कोसता था, अपनी किस्मत को कोसता रहता था। एक दिन उसी सर्कस में एक उसके पिंजरे के साथ एक चिड़िया का पिंजरा रख दिया गया और चिड़िया ने उस हाथी से पूछा कि भाई तू इतना परेशान क्यों है, क्यों इतना सोचता है और ये क्या हालत की हुई है तुमने। तो हाथी ने उस चिड़िया को जवाब दिया कि भाई तुम तो परों वाली हो, तुम्हारे तो पंख है, तुम तो उड़ सकती हो, अब यहाँ हो कल कहाँ चले जाओगी कुछ पता नहीं है, तुम तो आजाद जीवन जी रही हो। तो ये चीज जब चिड़िया को हाथी ने बोली तो चिड़िया बहुत डिसअपॉइंट हुई। उन्होंने बोला कि भाई मैं आजाद हूँ, मुझे भगवान ने पर दिए हैं, तो मैं उड़कर कहीं भी अपनी आजादी से जिंदगी जी सकती हूँ, और जो भगवान ने तुम्हें इतना विशाल शरीर दिया है, इतना बड़ा शरीर दिया है, क्या तुम इसका यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। जिंदगी जीने का हक सभी को है, अपनी किस्मत को दोष देने की बजाय तुम इस पिंजरे से खुद को निकालने की कोशिश करो। अगर पिंजरे से खुद को निकालोगे तो दुनिया के जितने भी पिंजरे हैं वो तुम खुद तोड़ सकते हो। इस चीज को सुनते हुए हाथी ने डिसीजन लिया कि हाँ भाई मैं इस पिंजरे को तोड़कर निकलना चाहता हूँ। तो हाथी ने उस पिंजरे को पूरी मेहनत के साथ तोड़ा और एक जंगल में जाकर अपना जीवन जीना शुरू कर दिया। खुले आसमान में उस हाथी को ऐसे लग रहा था कि भाई वो किसी की बेड़ियों में नहीं बंधा हुआ है, वो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी रहा है। उस चीज को अपनाते हुए हाथी ने चिड़िया से ये सीख ली कि जरूरी नहीं है कि पंख जिसे मिले हुए हैं वही आसमान में आजादी से जीवन जी सकता है। जना बिना पर वालों को भी आसमान को छूने की बिल्कुल हक है। तो आपको भी अपने सपनों को पूरा करने का पूरा राइट्स है। आप अपने सपनों को पीछे रखकर अपनी जिम्मेवारियों को आगे रखते हैं, लेकिन सपनों के साथ जिम्मेवारियों के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो खुशहाल जिंदगी आप भी जी सकते हैं। ऐसे ही अपने भाग्यों को कोसने की बजाय अपनी किस्मत पर भरोसा रखिए, क्योंकि किस्मत आपकी है। आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, वो कोई भी नहीं बांट सकता। आपने जो डेडिकेशंस दी है, जिस शिद्दत के साथ आपने जो किसी काम को करने का ठान लिया है, तो उसका फल आपको एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। हो सकता है कि आपको अपनी मेहनत में बिल्कुल एक साथ ना रंग मिले, आपको हो सकता है कि आपका किए हुए का फल एकदम से ना मिले, लेकिन एक ना एक दिन तो आपको आपके किए का फल जरूर मिलेगा। तो अपनी जिंदगी में अपनी किस्मत को कोसने से अच्छा है कि अपने लाइफ में मेहनत करते जाइए, क्योंकि मेहनत एक दिन रंग जरूर लाती है। और यही था आज की वीडियो में आपको समझाने का हमारा मोटिव। उम्मीद है कि इस मोटिव के साथ आप भी अपने सपनों के साथ उड़ान भरेंगे और आप भी अपनी खुशहाल जिंदगी के लिए अपनी जिम्मेवारियों को साथ लेकर चलते हुए अपने सपनों को भी जरूर पूरा करेंगे। इसी के साथ, इस वीडियो के साथ मैं रंजीत आपसे लेती हूँ इजाजत। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी ढेर सारी मोटिवेशनल बातों के साथ।
आज के वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से यस टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही प्यारी बातों के साथ आपके साथ डेली हमारी मुलाकात हो सके। तब तक के लिए नमस्कार।